तो आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रहों के बीच में आपको कुछ खगोलीय पिंड मिलेंगे और इनको नाम दिया गया है क्षुद्र ग्रह। हुआ क्या है, जब ग्रह बनने की प्रक्रिया चल रही थी तो ग्रह बनने की जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, जैसे कि मकान बनने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो जब मकान बन जाता है तो कुछ मात्रा में सीमेंट, कुछ मात्रा में ईंट या कुछ मात्रा में अन्य रॉ मटेरियल, कच्चा माल बच जाता है। तो यह सौर मंडल का एक कच्चा माल है जो ग्रह बनने की प्रक्रिया के उपरांत बचकर रह गया है। तो जब ये बचकर रह गया तो ये इसको स्थान कहाँ मिला, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पतली पट्टी के रूप में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, इनके लिए इनको बोला गया है ग्रह। और ये ग्रह कैसे है, क्षुद्र ग्रह है, क्योंकि ये अभी तक ग्रह के पूर्ण स्वरूप में नहीं आ पाए हैं लेकिन सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इनको हम इस कारण से हमने इनको बोला है क्षुद्र ग्रह। इनको क्षुद्र ग्रह बोलने का दूसरा कारण यह भी है कि इनमें ग्रह बनने की सारी योग्यता है, किंतु बड़ा पेड़ छोटे पेड़ को होने नहीं देता और बृहस्पति के द्वारा लगने वाले अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह क्षुद्र ग्रह ग्रह में परिवर्तित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्टेरॉइड्स।